الاكرام على سيد اسلم ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد ثم الصلاة والسلام على طيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لعنة الله على القوم الظالمين منكر فضائلهم ومصائبهم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بالوالدين إحسانا حملته وهنا على وهن وفصاله في عامين अनिश्कुर ली वाले वालिदे का इलैयल मसीर। एक दुरूद पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। अज़ीज़ाने गिरामी, अगर थोड़ी सी जहमत ना हो तो ये जो अफराद बीच में सुनने के लिए आमादा हैं वो थोड़ा सा आगे आ जाएं। एक और सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अज़ीज़ाने गिरामी, जैसा कि आप सभी के अज़हान में पहले से ये बात है कि सिलसिले गुफ्तगू मुख्तसर होगा क्योंकि बाद में निकाह भी है और वैसे भी मुख्तसर ही रहता है, जिसका आज का उन्वान है माँ। आप देखें, ये दो नेमतें ऐसी हैं जिसे हम माँ बाप कहते हैं और कुरान ने जिसे वालदैन के अल्फाज से याद किया। माँ का अलहदा मकाम है, बाप का अलहदा मकाम है, और कहीं कहीं आप देखें कुरान ने माँ बाप का अक्सर जगहों पर साथ में जिक्र किया। कई जाविये से इस पर गुफ्तगू हो सकती है कि माँ बाप कुरान के नजर में, फिर आप देखें माँ के साथ अच्छा सलूक और माँ से लापरवाही बरतने का नतीजा और अंजाम। अजमत वालिद बाप का क्या मकाम है और इससे सरताबी और सरकशी करने वालों का तारीख में क्या नतीजा रहा। तो ये सारी गुफ्तगू जो है इस ज़ैल में हो सकती है, लेकिन बहुत ही मुख्तसर गुफ्तगू आपके सामने करना है वो इस बात पर कि माँ क्या है। तकरीबन मेरी नजर जहां तक पहुंची कुरान मजीद में, जो मैंने देखा तकरीबन 14 मकामात पर कुरान ने जिक्र किया वालदैन का। और भी हो सकता है, मैं एक तालिबे इल्म हूं, बहरहाल जो मुझे नजर आया उसमें से इस आयत का इंतखाब किया जिसमें परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है वबसैनल इंसाना बिल वालिदैन एहसाना, मैंने इंसान को वसीयत की कि अपने वालिदैन के साथ एहसान करे। पहला जुमला, इसमें मां और बाप दोनों का जिक्र किया। अब आप देखें कि वो खालिक जो अजली है, सरमदी है, कय्यूम है, न उसे नींद आती है न ऊंग आती है, हर वक्त हर आन है। हमारे यहां मौत भी आती है, हयात भी आती है, वो जैसे है वैसे ही रहने वाला कयामत तक। हमारे यहां अगर कोई बुजुर्ग जाते जाते वसीयत किसी काम की कर जाए, बेटा ये करना, तो खानदान वाले भी कभी कभी अपने बुजुर्गों पे फख्र करते हैं कि मेरे दादा ने कहा था बेटा ये ना करना, लिहाजा मैं नहीं करूंगा। मेरे चचा ने ये कहा था और मेरे बाप ने ये कहा था और मेरे बड़े भाई ने ये कहा था, चूंकि आखिरी वक्त में
लिहाजा बहरहाल सब कुछ हो सकता है, ये नहीं हो सकता। अब सोचे वो खुदा जिसका हर हर फिक्रा हमारे लिए हुज्जत, जिससे हम आप सरताबी नहीं कर सकते, एराज नहीं कर सकते, दूरी नहीं अख्तियार कर सकते, वो अल्लाह इतना सख्त जुमला इस्तेमाल कर रहा कि मैं तुम्हें वसीयत कर रहा हूं कि अपने वालदैन के साथ एहसान करना। अब सोचिए जिस चीज के लिए खुदा वसीयत कर रहा हो, अकीमुस्सलात नमाज कायम करो, हज के लिए लिन्ना से हिज्जुल बैत, कहीं भी इतना ज्यादा जोर नहीं दिया परवरदिगार ने कि मैं तुम्हें वसीयत कर रहा हूं कि अपने वालदैन के साथ एहसान करो। अब वालदैन के साथ एहसान क्या है? जब लन तनालुल बिर्रा यह आयत नाजिल हुई तो किसी ने मासूम से पूछा कि वालदैन के साथ एहसान का क्या मतलब है? कहा वालदैन के साथ एहसान का मतलब यह है कि चाहे उन्हें तुम्हारी किसी चीज की जरूरत हो या ना हो, उनको तुम्हें महसूस करके पूरा कर देने का नाम एहसान है। अगर उन्होंने मुतालिबा किया और आपने पूरा किया तो कुछ नहीं किया, बगैर सवाल के। इसमें भी यह नहीं है कि मां बाप गरीब हो फकीर हो तभी, किसी भी एतबार से आपकी उन्हें कोई जरूरत ना हो फिर भी तुम्हें उनकी जरूरतों को पूरा करना है। दूसरा जुमला देखें जो खास तौर से मां के लिए मखसूस है, हमलत हो वहनन अला वहन्यू व फिसाल हो फी आमैन अनिश्कुरली वाले वाले दे का इलैयल मसीह, और खास तौर से उस मां का, एक मां की इसाले सवाब की मजलिस है इसीलिए उनवान मां बताया कि इस पर कई जाविये से बात हो सकती है। इंशाल्लाह जब जब मौका मिलता रहेगा आपकी खिदमत में इन पैगामात को पहुंचाने की कोशिश करूंगा। क्या करना है? खास तौर से उस मां का जिसने जमाने हमल में, हमलत हो वहनन अला वहनी व फिसाल हो फी आमैन, जिसने जमाने हमल में मुसीबतों पे मुसीबतों को बर्दाश्त किया लेकिन तुम्हें अपने शिकम में उठाए हुए चलती रही, और खाली मां की जहमत जो है वो 9 महीने पेट में रखने की नहीं है, वह फिसालो फी अमैन वो 2 साल की मुद्दत जिसमें मां बच्चे को दूध पिलाती रहती है, उसकी निगहदाश्त करती रहती, कब उसे करवट लेना है कब नहीं लेना है, क्या महसूस करना है, अभी तुम बोल नहीं सकते प्यास लगी है कि भूख लगी है कि क्या कर, कुछ तुम्हें नहीं मालूम लेकिन मां महसूस कर रही, पूरी कर रही। वही एहसान का मतलब समझाए, जैसे उसने महसूस कर करके तुम्हारी जरूरतों को पूरा किया है वैसे तुम्हारा काम है कि वालदैन की जरूरतों को महसूस कर करके पूरा करते रहो। दूर पौधे मोहम्मद वाले फिर आप देखें पूरी दुनिया में आप कितने बड़े हो जाएं, कलेक्टर डीएम इंजीनियर मुख्यमंत्री प्राइम मिनिस्टर कुछ भी बन जाए, पूरी कायनात आपके कब्जे कुदरत में हो जाए, लेकिन मां ने जिस मकाम पर तुम्हें मेहमान बनाया कायनात में कोई वहां पे तुम्हें मेहमान नहीं बना सकता, और जिस जरिए से उसने तुम्हें वजूद अता किया कायनात में कोई तुम्हें वजूद नहीं अता कर सकता। उसने अपनी जिल्द से तुम्हारी जिल्द बनाई, अपने गोश्त से तुम्हारे गोश्त को बनाया, अपनी हड्डियों से तुम्हारी हड्डियां बनाई, सारी चीजें अपनी कुर्बान करती रही, तुम्हें वजूद अता करती रही, उसका नाम मां है। फिसाल हो फी अमैन अनिश्कुर ली, ये कौन कह रहा है? अल्लाह कह रहा है। अनिश्कुल्ली, अय मेरे बंदे अगर तू मेरा शुक्रिया अदा करता है,
ये समझता है कि मैंने तुम्हें कान दिया, आंखें दी, दिमाग दिया, सब में ये मां शरीक है। अनिश्कुरली, अगर तू मेरा शुक्रिया अदा करता है तो इसी के साथ साथ वाले वाले देख, जहां तू मेरा शुक्रिया अदा करता है वहीं इन मां बाप का भी शुक्रिया अदा कर। वह इलैयल मसीह, और याद रखो, याद रखो, आखिर में तुम्हें पलट के मेरी ही बारगाह में आना है। यानी अल्लाह बता रहा है कि देखो, मैंने सब कुछ तुम्हें साफ साफ लफ्जों में बता दिया कि अगर मैं लाइश के शुक्र हूं तो मां बाप भी हैं, अगर मैं इबादत के काबिल हूं तो इनके ऊपर एहसान करना है। वाबिदुल्ला वला तुशिकु बिशया वबिल वालिदैन एहसाना। इबादत के लायक अगर कोई जात है तो उसका नाम है अल्लाह, और एहसान के लायक कोई जात है तो उसका नाम है वालदे। इनके साथ एहसान करो, अपनी इबादत से फौरन मिला दिया। अब आप देखें, वो जनाब ईसा जो बगैर बाप के पैदा हुए, अल्लाह ने एजाज के जरिए पैदा किया, उन्होंने भी कहा, कुरान गवाह है, वह बर्रौ बेवालिदती लम यजलनी जब्बारन शकिया। ऐ परवरदिगार, जहां तूने इतना करम किया, इतनी नवाजिश की, ये सारी नेमतें दी जो कायनात ने किसी को नहीं दी, बगैर बाप के मुझे पैदा किया, बगैर मौसम के मेरी मां के लिए फल आया, जन्नत से खाने आते रहे, सब कुछ किया, वहीं पे इतनी कुव्वत ताकत और दे दे कि मैं अपनी मां का शुक्रगुजार बंदा बन जाऊं, ना कि जब्बार शकी। तो नबुवत मिलने के बाद, रिसालत मिलने के बाद, इस्मत मिलने के बाद भी जो हाथों को उठा के दुआ करे कि परवरदिगार मुझे मां का खादिम बना दे, मां का शुक्रगुजार बंदा बना दे, उसे मासूम और नबी कहते हैं। हमारी आपकी कैफियत ही अलग है। अब आप देखें, यहां पे जितना मजमा है 99% ये सबके सब बाप हैं। इन चीजों को हमारे बच्चों को, नौजवानों को भी सुनना चाहिए। जब वो सुनेंगे तो थोड़ा सा उन्हें भी होगा कि बाप के साथ हमें क्या करना चाहिए, मां के साथ क्या करना चाहिए। हम आप तो सब कब्र में पैर लटकाए बैठे हुए हैं, आज नहीं कल टिकट कटने ही वाला है। फिर आप देखें, निगाहे मासूम में पैगंबर इस्लाम बैठे हुए, देखें मां बाप की खिदमत करने वाले अल्लाह की नजर में, मासूम की नजर में उसकी हैसियत क्या है। पैगंबर इस्लाम बैठे हुए हैं, उनकी एक रजाई बहन दूध जिसे पिलाया जाता है, उस जाविये से जो बहन होती, वो आई, पैगंबर इस्लाम ने अपनी अबा बिछा दिया। इस्तकबाल करना, किसी का सम्मान करना इस्लाम में बहुत अच्छी चीज है, इसलिए इससे उसका हौसला बढ़ता है, उसकी हिम्मत होती है, उसे वो अमल करने की ताकत पैदा होती है, वो आगे बढ़ता। रसूलल्लाह ने अबा बिछाई, बिठा ला, बहुत अच्छे से बात की, वो खुलके अजीम का मालिक। अब वो अगर इतना एहतमाम करे, थोड़ी देर के बाद उसी का भाई, उस बहन का भाई आया, उसके जाने के बाद जो बहन के लिए रसूल अल्लाह ने अंदाज इख्तियार किया, वो उसके भाई के लिए नहीं। कुछ सहाबियों ने पूछा, या रसूल अल्लाह, बहन आई तो आपने ऐसा ऐसा किया, भाई आया तो आपने वो नजरे करम नहीं फरमाई जैसा उसके साथ की। अब सुनेंगे रसूलल्लाह का जुमला, चूंकि वो बहन अपने मां की ज्यादा खिदमत करती है। अगर कोई मां बाप की खिदमत करता है तो गोया के रसूल अल्लाह ने उस जमाने में, उस वक्त सहाबा के मजमे में बता दिया कि जो अपने मां बाप की खिदमत करता है वो मेरी निगाह में कितना मुअज्ज़ज़ बन जाता।
जिसकी तरफ रसूल मुतवज्जे हो जाते हैं, जिसका एहतराम रसूलुल्लाह करने लगते हैं, जिसकी हौसला अफजाई रसूलुल्लाह करने लगते हैं। और आगे बढ़े आप, हमारे चौथे इमाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, मौला जब भी दस्तरखान पे बैठते थे, हमारे आपके यहां भी घरों में तरीका है और होना चाहिए, अगर साथ में बैठ के खाते हैं तो बहुत अच्छी चीज है, उसके इस्लामी नुक्ते नजर से फायदे भी हैं और बच्चों की उसमें तरबियत भी होती है। आप देखें दस्तरखान सजता है, एक बुजुर्ग ने नमक की तरफ हाथ बढ़ाया, किसी ने फातिहे के लिए हाथ उठाया, तो ये बच्चों की तरबियत होती है कि नहीं होती है? कि कहां से खाना शुरू करना है, कहां खत्म करना है। एक दस्तरखान पे बैठ गया, याद आया कि हाथ नहीं धुला, उठ के चला गया, बताइए, बजाहिर हुक्म नहीं दे रहा है लेकिन पैगाम तो दे रहा है कि खाने से पहले ये करना चाहिए। इमाम जब दस्तरखान पे बैठते थे तो इमाम का तरीकाकार यह था, चौथे इमाम का, इमाम की सीरत देखें, दस्तरखान पे बहुत इत्मीनान और सुकून के साथ बैठे रहते थे और मां से पहले किसी ग़िज़ा की तरफ हाथ नहीं बढ़ाते थे, हाथ नहीं बढ़ाते थे। और जब पानी पीना होता था तो मां से कहते थे पानी दे दीजिए। किसी ने इमाम से पूछा, मौला मैं देखता हूं कि बहुत आराम से हो, इस अंदाज से हो, ये तरीका आप इख्तियार करते हैं, ऐसा क्यों? इमाम ने कहा, कहीं मैं उस ग़िज़ा की तरफ हाथ बढ़ा दूं उससे पहले मेरे मां के दिल में ख्वाहिश हो कि मैं उसे लूं, मैं उसे लूं। देखिए पैगाम देखें, किरदार देखें, ये सीरत है, सिर्फ फरमाया नहीं, अमली जामा है। कहीं मेरी मां की रग़बत उस तरफ ना हो, मां से पहले मैं ले लूं। अल्लाहु अकबर, खाना खाना है, दस्तरखान सजा हुआ है, सब कुछ है, लेकिन एक सेकेंड, दस सेकेंड पहले अगर ये काम कर लूं तो ये अच्छा नहीं है, निगाह मासूम। और मां से पानी का मुतालबा इसलिए करता हूं कि पानी पिलाने से ज्यादा किसी का सवाब नहीं है, मैं ये चाहता हूं कि मेरी मां इस सवाब से महरूम न रहे। एक दुरूद पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। एक जुमला अगर आप तवज्जो फरमा लें, ये मां इनकी हकीकी नहीं है, शहरबानों का तो इंतकाल हो चुका है बचपन में ही, ये दूसरी मां, इनके साथ ये सलूक है। आप देखें जनाबे दाऊद अलैहिस्सलाम के जमाने में, जनाबे दाऊद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से मुतालबा किया, परवरदिगार जन्नत में मेरा पड़ोसी कौन होगा? सबको अपनी पड़ोसियों की फिक्र हर जमाने में रही, मेरे साथ कौन रहेगा, मेरे महल्ले में कौन है, दाहिने कौन है, बाएं कौन है। जनाबे दाऊद ने भी अलैहिस्सलाम ने ये डिमांड की, कहा एक फला ताजिर है, छोटा मोटा तिजारत करता था, तलाश करते हुए जनाबे दाऊद अलैहिस्सलाम उसके पास पहुंचे, उससे पूछा, भाई तू कौन सा नेक काम करता है? का कुछ नहीं, जो भी मालो दौलत कमाता हूं उसको तीन हिस्सों में तकसीम कर देता हूं। अच्छा, काहे काहे में? कहा एक हिस्सा, वन थर्ड अपनी मां को दे देता हूं, अब उसकी मर्जी जो चाहे वो करे, उसमें मेरा कोई अमल दखल नहीं। दूसरा वन थर्ड अपने बीवी बच्चों के ऊपर सर्फ करता हूं, वन थर्ड गरीबों के ऊपर।
देखें। चाहे आप तिजारत की कुर्सी पे बैठे हों या मिंबर पे बैठे हों या मेहराब में हों, अगर आपका अमल अल्लाह और रसूल और अंबिया से मासूमीन से मिलता जुलता है जो उन्होंने फरमाया, तो किसी भी मंजिल पर हो आप दुनिया भी हासिल कर सकते हैं, आखिरत भी हासिल कर सकते हैं। और आगे बढ़ें, कुरान की तरफ देखना इबादत, खाने काबा का देखना इबादत, जिक्र अली करना इबादत, मां बाप के चेहरे की तरफ देखना इबादत। एक शख्स आया पैगंबर के पास, मैं जवान हूं, अल्लाह ने कुव्वत दी है, ताकत दी है, सब कुछ है, जिहाद को बहुत पसंद करता हूं। रसूलल्लाह ने कहा अगर तू जिहाद करेगा फतह पा जाएगा, फातेह कहलाएगा, और अगर इस दुनिया से रुखसत हो गया तो शहीद कहलाएगा, और शहीद के रिस्क की जमानत अल्लाह ने ली है, उसकी हयात की जमानत अल्लाह ने ली है। इसने कहा लेकिन मेरी मां जो है इस अमल को पसंद नहीं करती, वो नाबीना है, मैं उसकी, वो चाहती कि मुझसे जुदा ना हो। पैगंबर ने क्या फरमाया, उसके साथ एक रात उनसे मोहब्बत से पेश आना जिहाद से अफजल है। एक दुरूद पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। अज़ानी ग्रामी, जहां भी आप देखें आपको मां नजर आएगी। तालीम ईमान आखिरी, इसके बाद चंद जुमले मसाद के इंशाल्लाह फिर किसी मौके पर, बहुत सारी चीजें सरकारी सैयदुल शुहदा की नजर में, जनाब मूसा की नजर में, रसूलल्लाह की नजर में, कुरान की नजर में, मां बाप की खिदमत करने वाले का क्या मकाम। जिस तरफ हमारे आखिरी इमाम ने इस सिलसिले में क्या कहा, मां बाप की खिदमत करने वाले का क्या नतीजा है, सारी चीजें। लेकिन कभी कभी हमें इन बातों को सुनना चाहिए, और सुनने के बाद थोड़ा बहुत जहां तक मुमकिन हो अमल करने की कोशिश करना चाहिए। तालीम इमाम, किरदार इमाम देखा, तालीम इमाम देखें। एक मजहब नसरानी का शख्स, उसने इस्लाम कबूल किया, इस्लाम कबूल करने के बाद हज्ज बैतुल्लाह को आया, वहां से मदीने आया, मदीने में हमारे छठे इमाम के पास आया, इमाम के पास आया, सारे हालात सारी बातें सब कुछ होता रहा। ये धीरे धीरे मामला बढ़ता रहा, इस चीज को यहीं पे रोक के एक दूसरी बात को अर्ज करना चाहता हूं। एक नसरानी जो इबादत में बहुत ज्यादा मारूफ था, उसकी इबादत के आगे सब छोटे नजर आते थे। उसने अपनी एक इबादत गाह पहाड़ी पे बना रखी थी जिसका नाम सोमा था, वहां इबादत कर रहा था। इसकी मां को इसकी जरूरत हुई, इसकी मां वहां गई, ये नमाज पढ़ रहा था, आवाज दी, उसे अपने इबादत का नशा, इबादत करता रहा, जवाब नहीं दिया। मां ने तीन मरतबा आवाज दी, उसने जो है जवाब नहीं दिया, मैं तो अभी नमाज पढ़ रहा हूं, अभी देख लूंगा। मां ने कहा परवरदिगार इसने जो ये इर्तिकाब किया है, मां की आवाज पे लब्बैक नहीं की है, इसे इसकी गुनाह की सजा मिलना चाहिए। पहाड़ी के उस तरफ कुछ आबादी थी, एक हसीन और खूबसूरत औरत ने ऐसा दावा कर दिया कि खुदा नखास्ता इसने हमारे साथ बदफेली की है। यह मामला बादशाह तक पहुंचा, बादशाह ने कहा ठीक है जाने दीजिए, अभी
बच्चे की विलादत हो जाने दीजिए, फिर हिसाब किताब इनसे किया जाता। हमल हो गया था, अब धीरे धीरे वजह हमल का वक्त आया, बेटा इबादत कर रहा था, मां ने आवाज दी थी ये ध्यान रखिएगा, वाजिब नहीं मुस्तहब नमाज की बात। और नमाज में बंदा क्या करता है? अल्लाह की इबादत करता है, अल्लाह से राबता होता है। मां और बेटे का मामला कहां से तलखी आई? वो मुसल्ले पे था, मां आवाज दे रही थी, यहां तक के वजह हमल हो गया, फिर लोग पहुंचे, कहा इसको ऐसे फांसी नहीं दी जाएगी, पहले इसे पूरे शहर में टहलाया जाए, गधे पे बिठाल के, गधे पे बिठाला और टहलाना शुरू किया, उस महल्ले में भी गए जहां पे तवायफें रहा करती थी। अब वो बहरहाल बदकिरदार औरतों ने भी सोचा कि भाई वो आबिद जरा देखे तो सही, जो हर वक्त इबादत करता था वो इस जाल में कैसे फंस गया। उन्होंने देखा वो भी अपना आराम से मुस्कुरा रही। अब ये साहब और आगे बढ़े, यहां तक के टहलाते घुमाते इनको दरबार में पेश किया गया, अब क्या हो, इनको फांसी दे दी जाए, फांसी दे दी जाए। अब जब फांसी की बात आई, वही मां जिसने कहा था परवरदिगार इससे मुआखजा किया जाए, इससे बदला लिया जाए, इसने मां की आवाज पर लब्बैक नहीं कहा, वो दरबार में आई, वो आने के बाद कहा मेरा बेटा ऐसा नहीं कि वो किसी के साथ बदफेली करे, मैंने इसे अपना शीर पिलाया है, मैंने परवरिश की है, मुझे मालूम है। बादशाह मुस्कुराने लगे, मुस्कुराने के बाद कहा लगता है तेरी ममता जो है वो तड़प गई है, मां तो फिर मां, तू बेटे की मोहब्बत जो है उसमें आ गई है, अब तुझे कत्ल होता हुआ ये नहीं देख सकती। कहा नहीं, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता है। कहा फिर तेरे पास दलील क्या है, सबूत क्या है? कहा उस बच्चे को लाया जाए, उस बच्चे को लाया जाए। जब उस बच्चे को लाया गया, कहा इससे पूछ ले। बादशाह फिर मुस्कुराने लगे, ये बच्चा क्या बोलेगा, एक दो दिन का बच्चा, जिस मां ने शिकायत की थी उसके यकीन को देखें, तवक्कुल को देखें, कि जब मेरी शिकायत मेरे बेटे के सिलसिले में मेरा परवरदिगार सुन सकता है, तो वही मेरा परवरदिगार मेरे बेटे को बचाने के लिए मेरी दुआ को भी सुनेगा। और जैसे ही उसने कहा, वो बच्चा गोया हुआ और उसने कहा ये नहीं है मेरा बाप। अब मामला गड़बड़, फिर कहा का वो फला यहूद, फला जो है बकरी चलाने वाला, ऊंट चराने वाला चरवाहा। अब गए उसको लेके आए, पकड़ के उसने कहा नहीं नहीं, लेकिन वही जो पुलिस वाले काम करते हैं, जब डंडा चलने लगा तो इकरार कर लिया कि नहीं है। तो मालूम ये हुआ कि कभी कभी मां बाप जबान से नहीं कहते हैं बेटा तुम क्या कर रहे हो, लेकिन अगर दिल से भी आवाज निकल जाती है तो वो बाबे कबूलियत पे पहुंच के रहती है। दुरूद पौधे मोहम्मद वाले मोहम्मद। अज़ाने ग्रामी बात को यहीं पे तमाम करते हैं। मां बहुत अजीम जात का नाम, मां जब भी दुआ करती है उसकी दुआ कबूल हो जाती है, हर जगह ये चीज देखने में आई। लेकिन अजीजों मदीने में और करबला में थोड़ा सा फर्क नजर आया। एक मां के इसाले सवाब की मजलिस है और भी मरहूमीन की है। अजीजों आज आप देखें कि जब भी किसी के यहां कोई मुसीबत आती है तो लोग दिलासा देने के लिए, तशफी देने के लिए पहुंच जाते हैं, ताकि घर वालों को, अजीजों को तसल्ली हो जाए। लेकिन आप देखें अभी रसूल अल्लाह के शहादत के 75 दिन भी नहीं हुए हैं,
उससे पहले ही अली की बेटी के दरवाजे पर आग और लकड़ियां जमा कर दी गई। और खाली आग और लकड़ियां ही नहीं जमा की, बल्कि घर को आग लगा दिया, उस घर को जिसमें जवानान जन्नत के सरदार थे, जिसमें कसीमुन नारे वल जन्ना था, जिसमें फातमतो बजतुम मिन्नी थी, अजादारो आग लगा दी गई। आप देखें मदीने और करबला में फर्क। अजीजों, जब आग लगी करबला में, पहले नहीं लगी, पहले मदीने में लगी, वरना शायद करबला में खयाम में आग न लगती अगर मदीने में न लगाया होता जालिमों ने। और उसके बाद जलते हुए दरवाजे को गिराया, शहजादी दरो दीवार के दरमियान आ गई। अजादारो, आपने कभी ना कभी जिंदगी में देखा होगा, खुदा न खास्ता कहीं झगड़ा हो जाए, लड़ाई हो जाए और मां के ऊपर कोई हमला कर दे, तो फिर नन्हे नन्हे बच्चे क्या करें, 6 बरस का बच्चा, 7 बरस का बच्चा, 2.5 साल की बच्ची, क्या होता है आमतौर से बच्चियां, ये बच्चे मां के दामन से लिपट जाते हैं। अजादारो, हसनैन अलैहिस्सलाम ने क्या किया होगा। अजादारो, दरो दीवार के दरमियान शहजादी आ गई, और जब अबुल हसन को गिरफ्तार करके लेके चलने लगे तो अजादारो, शहजादी ने दामन पकड़ लिया। जब शहजादी ने दामन पकड़ा तो फिर क्या हुआ, फिर कुनफुज मलून ने वो दुर्रा निकाला, और निकालने के बाद शहजादी के हाथ पे ऐसा वार किया कि ता हया शहजादी इस हाथ से तस्बीह न पढ़ सकी। अजादारो, तस्बीह न पढ़ सकी। अजादारो, ये था मदीना, जहां बच्चों के सामने मां को मारा जा रहा था, बाप के गले में रिस्मान डाली जा रही थी। अजादारो, वो करबला था जहां मां के सामने बच्चे को जिबा किया जा रहा था, बच्चे के लाशे को पामाल किया जा रहा था, बच्चे के गले में जो है रस्सी का फंदा डाला जा रहा था। अजादारो, इसीलिए सकीना बार बार अपने सर को देखती थी, कहती थी फूफी अम्मा मेरे पास चादर नहीं। एक मरतबा जनाबे उम्मे कुलसुम ने कहा, अरे बेटी खाली तेरे सर पे चादर नहीं, देख तेरी फूफी के सर पे भी चादर नहीं। सयालम लजीन जलम अय्यामुन कलबी यनकलबू बारिलहा बिहक जहरा वाबीहा वबालिहा वबनीहा। परवदिगार, इन बहती हुई आंखों पर रहमत नाजिल फरमा। परवदिगार, जिन मरहूमीन की इसाले सवाब की मजलिस है, परवदिगार उनकी मगफिरत फरमा। रजिया बानो, परवदिगार उन्हें जवाने आए मासूमीन में जगह इनायत फरमा। उनके वारिसों को सब्र अता फरमा। हम सबको अहले बैत की सीरत पे चलने की तौफीक इनायत फरमा। परवरदिगार, हमारे अमल से हमारे इमाम को राजी खुशनूद फरमा। इमाम के जहूर में ताजील फरमा। हम सबको उनके ऐवान अंसार में शुमार फरमा। व तकब्बल मिन्ना।